नबी इस्लाम ने इशारा फरमाया कि क्या तुमने देखा कि मैं नमाज के दौरान एक कदम आगे की तरफ बढ़ाया और फिर एक कदम पीछे की तरफ बढ़ाया। साहबा ने इशारा फरमाया जी या रसूल अल्लाह, हमने देखा। नबी इस्लाम ने इशारा फरमाया कि नमाज के दौरान मैंने देखा कि जन्नत के बागों में से एक बाग है और उसका फल मेरे सामने इस तरह आया हुआ है और मैंने उस फल की तरफ कदम बढ़ाया और फिर मैंने दोबारा देखा तो मुझे दोज़ख की वो शक्ल दिखाई गई जिसमें अमर बिन नुहैल खुज़ाई दोज़ख के अंदर खड़ा हुआ ज़मीन से अपनी आंतें उठा उठा के अपने पेट में वापस भर रहा है। तो मैं एक कदम पीछे हो गया। जी साहिल साहब से एक बात पूछना चाहूंगी कि नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज वो पोर्टल है, वो रास्ता है जिस पे चल के रसूल पाक जो है वो अल्लाह की मुलाकात तक पहुंचे, और इसी पैराई में ही नमाज को बयान किया जाता है। जो हमने सुना है कि नमाज के जरिए से ही अल्लाह से मुलाकात होती है, मुझे इसकी डिटेल्स जानना है। क्या वाकई नमाज एक मोमिन के लिए वो पोर्टल्स खोलती है जिसपे उसकी रूह उस हद तक परवाज करके जाती है कि अल्लाह का कुर्ब पाए इंसान, अल्लाह की मार्फत उस हद तक पाए कि अल्लाह की ज़ात को करीब से जाने, उसके अंदर की वो हिस्से बेदार हों कि जिससे वो वाकई वो पोर्टल्स 100% ना से कुछ परसेंट ही तय कर सके, और अगर ऐसा है तो वो फिर उस नमाज का तरीकेकार समझाएं प्लीज, वो नमाज कैसे अदा हो। नमाज मोमिन की मेराज है का इस्तलाही मतलब समझ लें कि अल्लाह ताला से जाके नबी अलैहिस्सलाम ने मुलाकात की, पर्दे में की लेकिन आखिरी हद तक गए कायनात की। तो जो अल्लाह से मुलाकात है ना वो यहाँ पे मुराद है कि नबी अलैहिस्सलाम इशारा फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है। जब वो नमाज में होता है तो एक और हदीस के थ्रू वाज़े कर दूँ कि नबी इस्लाम ने इशारा फरमाया कि जब नमाज पढ़ो तो ये सोच लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, अल्लाह आपके सामने, ये नहीं सोच सकते तो एटलीस्ट ये सोच लो कि अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है, तो आपकी वही मुलाकात हो रही होती है जो नबी इस्लाम की, जिस तरीके से अल्लाह ताला तो वही है ना, तो अल्लाह तो हर जगह पे, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अल्लाह ताला के सामने रूबरू हो जाते हैं और आप दुनिया से चाहे नमाज पे खड़े होते हैं तो दुनिया से बिल्कुल दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाते हैं। सो दिस इज द लीस्ट यू कैन डू। ये पता है आपका सवाल ये नहीं है, आप पोर्टल्स के थ्रू लिटरल एंट्री करना चाह रहे हैं अल्लाह ताला के यहाँ, तो उसका जवाब बस छोटा सा दूंगा कि हाँ हो सकती है। रूहानी नहीं होती, रूहानी मेराज नहीं होती, मेराज जिस्मानी होती है। जब भी मेराज होती है जिस्मानी होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी जरा तोड़ दें, ये भी मुसलमान पाकिस्तानियों के पास ही आया, मौलवियों के पास, कि नबी अलैहिस्सलाम रूहानी तौर पे ऊपर गए थे। ठीक है, चाहे वो गांधी साहब ने कहा हो चाहे वो लोकल उलमा ने कहा हो, नबी अलैहिस्सलाम जैसे आप किसी भी तरीके से जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर गए ना, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम भी ऊपर गए, जैसे आदम अलैहिस्सलाम नीचे आए थे वैसे नबी अलैहिस्सलाम ऊपर गए। रूहानी नहीं, जिस्मानी और रूहानी दोनों तरीके से। सो इस ज़ुमरे में अगर नमाज मोमिन की मेराज समझी जाए तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो करके बताऊँगा फिजिक्स कैसे अप्लाई हो सकती हैं, लिटरली फिजिक्स। तो कैसे करने का तरीका चूँकि आसान है इसलिए वो भी बता देता हूँ, वो भी मैं बता सकता हूँ कि आप को मैं एक मिसाल देता हूँ। सही हदीस है कि एक सहाबी सूरह कहफ की तलावत फरमा रहे थे तो उनको बाएं से एक अजीब कैफियत का सामना
मामला खराब होना शुरू हुआ या हलचल हुई है। मैं बाहर आ जाकर उन्होंने देखा तो एक और बंदा भी वहां पे खड़े हुए थे। नबी सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों ने जो वाक़या देखा वो नबी सलाम के पास ले गए। नबी सलाम ने पूछा क्या हुआ, तो जो बंदा बाहर खड़ा होता उसने बताया कि एक धुंध या मिस्ट बाहर एक छा गई थी इस घर के, और बाहर घोड़ा बंधा हुआ था, उस घोड़े के इर्द गिर्द वो मिस्ट आ गई और घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाना शुरू हो गया। तो नबी सलाम ने शाह फरमाया सही कहा आपने, वो सकीना थी जो आसमान से उतरी थी कुरान पाक की, जिस तरीके से आपने तलावत फरमाई उस वजह से। ठीक है, ये मामला किसी वजह से आपको इस नमाज के सवाल में सुना रहा हूँ। तो अब रही बात, क्या वाकई में इस तरह ट्रांसेंड कर जाते हैं, असेंड कर देते हैं लोग, तो कर सकते हैं कि नहीं? यस, हर वक्त करेंगे। आई डोंट नो क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो? जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना हो। तो ये स्टेजेस देखें आप, कि या तो आप अपने आप को एटलीस्ट ये इमेजिन कर लें कि अल्लाह आपको देख रहा है, इसे लेके पूरी तरीके से ऐसे मामलात खोलना शुरू करें कि ऊपर से नीचे चीज़ें और नीचे से ऊपर चीज़ें आना शुरू हो जाएं। हो तो सकता है, हुआ है जी, मैंने आपको हदीस सुनाई है कि कैसे ऊपर से नीचे चीज़ें नाजिल होती हैं। रही बात मैं किस चीज़ से इस्तदलाल कर रहा हूँ, तो मैं उस हदीस से इस्तदलाल कर रहा हूँ कि नबी सलाम ने जब तो नमाज पढ़े थे गलबन चांद ग्रहण के वक्त या सूरज ग्रहण के वक्त, तो नबी इस्लाम ने इशारा फरमाया कि क्या तुमने देखा कि मैं नमाज के दौरान एक कदम आगे की तरफ बढ़ाया और फिर एक कदम पीछे की तरफ बढ़ाया। साहबा ने इशारा फरमाया जी या रसूल अल्लाह, ने देखा। नबी इस्लाम ने इशारा फरमाया कि नमाज के दौरान मैंने देखा कि जन्नत के बागों में से एक बाग है और उसका फल मेरे सामने इस तरह आया हुआ है, और मैंने उस फल की तरफ कदम बढ़ाया, और फिर मैंने दोबारा देखा तो मुझे दोजख की वो शक्ल दिखाई गई जिसमें अमर बिन नौहिल खुजाई दोजख के अंदर खड़ा हुआ ज़मीन से अपनी आंतें उठा उठा के अपने पेट में वापस भर रहा है। तो मैं एक कदम पीछे हो गया। ये हदीस यहाँ पे क्यों सुना रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि नमाज के दौरान किस तरीके से आप असेंशन करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? या ऑफ कोर्स पॉसिबल तो है, किस तरीके से पॉसिबल है? तो बस तरीका तो वही है कि नमाज तो खाली एक इंडिकेटर है कि आपकी बाकी की लाइफ कैसी है। उसका क्या सबूत है कि आप अपनी अपनी नमाज को झांक के देख लें, झांकें नमाज के अंदर तो आपको अपनी वही वाली दुनिया ही नज़र आएगी। सूरह फातिहा जब शुरू करते हैं उसके बाद याद नहीं रहता कि सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद सुबह क्या काम करने हैं अगले दिन या आज के दिन के क्या काम हैं, किसके पैसे लेने हैं तो किसके पैसे देने हैं, कौन सा बच्चा बीमार है तो कौन घर पर आने वाला है, क्या काम है दुनिया में, क्या मसला तंग कर रहा है, ये सारे मसाइल उसी वक्त आपको आके घेर लेते हैं। दुनिया तो छोड़ते ही नहीं ना हम, एक्चुअली दुनिया को तो पूरी तरीके से इंजॉय करते हैं। एक्चुअली इतनी दुनिया के ख्याल कहीं और नहीं आते जितना नमाज के दौरान आते हैं। तो जो बाकी के हालात हैं उसकी कैफियत नमाज में आया हो जाती है। सो जब आपकी नमाज उस तरीके से खाली होना शुरू होगी जिस पर अल्लाह ताला ने खाना के बिल्कुल खाली करके मेरे पास आया करो कुरान में कहा ना, तो सूरह नशरा में के आखिरी आयत में कि बिल्कुल दुनिया को बिल्कुल सिफर करके नमाज में आया करो, तो वो है स्टेप जिसके थ्रू अल्लाह ताला ने ये कोड बता दिया हुआ है। अब होगी कि नहीं होगी ये तो अल्लाह को ही पता है, हो सकती है कि नहीं हो सकती, जी हाँ हो तो सकती है, ये तो हमें बता दिया गया है, और कैसे होगी इसके भी काफ़ी सारे हिंट्स हैं हमारे पास। तो ये इतना कोई बड़ा रॉकेट साइंस वाकया नहीं है मुसलमान के लिए। क्या लोगों को हुई है? जी हाँ,
लोगों को ही है, इसलिए पता। तो दुनिया को, दुनिया से फारिग होने के इंतजाम करें और पूरी तरीके से अल्लाह ताला के यहाँ हाजिर हों, फिर देखें कितनी सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं आप।